तो हेलो नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी के साथ करता हूँ गेमिंग ब्रॉस के अगर फ्रेश वीडियो में। तो दोस्तों यहाँ पे आज की इस वीडियो में हम खेलने वाले हैं एक ऐसा मैच जो कि होने वाला है काफ़ी बेहतरीन। तो हम कर लेते अपने मैच को सेटअप, उसके बाद आपसे वीडियो के अंदर मिलते हैं। तो गाइज यहाँ पे मेरी गेम का जो अपडेट वर्जन आया है तो मैं इसको अपडेट कर रहा हूँ, ठीक है। 3% हो चुकी है, 100% होनी है तभी उसके बाद ये अपडेट हो जाएगी और इसके अंदर कुछ नई नई चीज़ें आ जाएंगी। नई से मेरा मतलब है कि अच्छी चीज़ें आ जाएंगी। तो बस उसके बाद हम आपसे बात करते हैं अपडेट होने के बाद में, ओके गाइज। इसलिए थोड़ा सा उसको अपडेट होने देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। तो गाइज़ ये जो अपडेट है ये 100% तक जाएगी, अभी 35% हुआ है। अगर जो आप जानना चाहते हो इस अपडेट में है क्या, तो मैं आपको बता देता हूँ इस अपडेट के अंदर आपको मिलेगा क्या। इस अपडेट के अंदर आपको मिलने वाला है, वेट अ सेकेंड। तो इसके अंदर आपको कुछ चीज़ें मिलने वाली हैं, जैसे कि आपको मैं बता दूँ, आप ना जैसे लॉकर रूम होएगा उसके अंदर आप अपना रिडीम कोड लगा सकते हो। रिडीम कोड से मेरा मतलब है कि अपना पासवर्ड लगा सकते हो, ठीक है। इस तरीके से आपको एक अपडेट ऐसी मिलेगी। तो यहाँ पे दूसरी अपडेट है वो भी ऐसी ही है कुछ। तो इस अपडेट के अंदर आपको कुछ और चीज़ें मिलेगी, जैसे कि आप मतलब मैं कह सकता हूँ कि बैक स्टेज के अंदर आपके सारी अपडेट्स हैं इसके अंदर। मतलब बैक स्टेज के अंदर और भी कुछ फीचर्स डाले गए हैं इसके अंदर, ये बता रहे हैं कुछ ऐसा। तो बाकी अगर जो आपको और जानना है तो मैं इसके लिए स्पेशल वीडियो बना सकता हूँ। बाकी यूट्यूब के ऊपर अगर जो आप सर्च करोगे WWE-2K19 लेटेस्ट अपडेट, उसके अंदर आपको सारा कुछ बता देंगे, ठीक है। तो मैं भी अभी इतना नहीं जानता, फिर भी मैं चेक करता हूँ कि कैसी अपडेट्स हैं अभी, ठीक है। तो बस अभी उसके बाद बस वीडियो में मिलेंगे सीधा। तो गाइज आप ये देख ही सकते हो, टू प्लेयर रोड टू ग्लोरी इसमें आपको मिलेगा। माई प्लेयर टावर्स आपको इसके अंदर मिलेगा। ऑनलाइन मोड भी आपको इसके अंदर मिल जाएगा। तो रिडीम अ लॉकर कोड इसके अंदर आपको मिल जाएगा, यू नीड टू अपडेट, ठीक है। तो इसके अंदर अब मिल रहा है आर यू श्योर यू वांट टू अपडेट वगैरह वगैरह। तो मैं इसको अपडेट कर लेता हूँ, उसके बाद मिलूंगा। यार मैं आपको एक गजब की बात बताऊँ इस गेम की, मतलब इस क्लाउड गेम्स की एक नई गजब की बात। मेरा जो गेम है वो 30 KB/s पे स्मूथली चल रहा है। कैन यू इमेजिन 30 KB/s पे। यार आप देख सकते हो मेरा गेम का यहाँ पे जो सर्कल है कैसे घूम रहा है, कितना स्मूथली घूम रहा है। अगर जो मैं बैक दबाऊँ तो 1 सेकंड में बैक आ जाता है, ए दबाऊँ तो 1 सेकंड में आ जाते हैं। मतलब कि हमारे सारे कंट्रोलर्स वगैरह सारा कुछ एकदम बेस्ट है। और यहाँ पे आप नेट देख सकते हो 32, 31, 30 KB/s। और जब मैंने गेम स्टार्ट करा था मैंने 155 MB हो गया था। और तब से लेकर अब तक मतलब मैं खेल चुका हूँ लगभग, मतलब मैंने ऑन करके रखा है लगभग हो गया मेरे को आधा घंटा, एंड आधे घंटे के अंदर इसमें सिर्फ इतना ही लिया है। यार मैं इमेजिन नहीं कर सकता ऐसा क्या हो गया, मतलब मुझे कुछ समझ तो आ नहीं रहा। तो फिर भी यार काफ़ी अच्छा लग रहा है देख के। देखो 32 KB/s, लेकिन फिर भी आपको एक बार साउंड सुना देता हूँ इसकी। ये साउंड कहीं पे भी अटक अटक के नहीं चल रहा, तो ये काफ़ी अच्छा मतलब बात है जो कि मुझे अब अभी पता चली है इस गेम के। अभी मैंने जस्ट नोटिस करा है, मुझे नहीं पता है कब से आ रहा है मेरे पास, लेकिन अभी मैंने नोटिस कर लिया और आप सभी को भी बता दिया है। तो आप भी नोटिस करो यार, आप भी बताओ कि यार आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा है अगर तो आप क्लाउड गेम्स में गेम्स खेलते हो। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा अपडेट हो चुका है पूरे तरीके से, एंड यहाँ पे मेरा सारा कुछ हो चुका है। और ये कुछ ऐसे हो रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैं इसको जल्दी से करके अपना मैच सेटअप कर देता हूँ। और सबसे खास बात बताऊँगा यार आपको इस गेम के बारे में और जो होने वाली है मैं आपको बता देता हूँ आपको। तो गाइस मैंने यहाँ पे चालू कर दिया है मैच, एंड ये होने वाला है रैंडी ऑर्टन वर्सेस एज स्टाइल। तो भाई मेरे एक भाई हैं, उन्होंने मेरे को बोला था यार जो हमने स्टोरी लाइन पहले चालू करी थी वो थी बोर्ड एलएस के साथ रोमन रेंस वर्सेस बोर्ड एलएस, उसके अंदर यार एक्सेल आ रहा था। तो बार बार एक्सेल मतलब मैं अगले जो मैच होने वाला है उसके अंदर करने वाला मैच रोमन वर्सेज एक्सेल एंड बोर्ड एलएस, मैं हैंडीकैप मैच करने वाला हूँ, आज ही वो वीडियो आने वाला है। भाई उदास मत होना, आपका वीडियो पक्का आएगा, मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। यहाँ पे मैं खेल रहा हूँ यार ये गेम, और आपको जैसे कि आप जानती होगे कि आजकल मतलब आज या कल फास्ट लेन के अंदर भी काफ़ी जगहों पे आ रहा है यार रैंडी ऑर्टन वर्सेस एज स्टाइल का मैच होने वाला है। आई थिंक लगभग फाइनल हो चुका है रैंडी ऑर्टन वर्सेज एज स्टाइल का मैच। आपने अगर जो आज का स्मैकडाउन भी देखा होगा तो आपको पता चल चुका होगा इन दोनों का क्या था, इन दोनों का प्रोमो देखा था आपने अगर तो आपको पता चल चुका होगा। बस अब यार मैं एंट्री स्किप कर लेता हूँ, ज़्यादा कुछ फालतू करना नहीं है, ठीक है। अगर जो इनका प्रोमो देखा होगा तब भी आप पक्का जान चुके होंगे। नाइस,
काफ़ी अच्छा है यार ये गेम, काफ़ी अच्छा है वैसे। मैं इसके इस वाले मैच के बाद इसके जो अपडेट आए हैं उनको चेक करूँगा कि क्या क्या खास अपडेट्स हैं, क्या क्या नहीं है, और अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। मैं कहाँ जा रहा हूँ यार, वॉट इज दिस, वॉट द, हा। इसने आते अपना फिनिशर दे दिया, ऐसे स्टाइल क्लैश ही आएगा यार, रिवर्सल नहीं हुआ स्टाइल क्लैश का इसके, हमने यार अब तक एक भी नहीं मारा इसको मूव, कमाल है। दूसरा स्टाइल क्लैश दे रही है, कितने देगा रे बाबा, कितने देगा, सारे नीचे ही दे देना। तीसरा स्टाइल क्लैश लेकिन रिवर्सल हो गया, मैं इसको इतनी जल्दी नहीं देने वाला, मैं इसको 3-4 RKO देने वाला हूँ जो कि काफ़ी खास होने वाले हैं। सॉरी 3-4 कहाँ, 2 ही RKO, 3 ही RKO ही हैं, ठीक है, तीनों RKO देखना, अभी 1 RKO देखना कैसे दूंगा इसको, इसकी ऐसे तैसी कर देंगे। अरे यार हो ही नहीं रहा, पता नहीं क्या हो रहा है इसको। 2 मिनट, अभी मैं आता हूँ वापस, तो अब ठीक हो चुका है, अभी मैं जाता हूँ भाग के रिंग के अंदर। एंड अभी इसको एक मूव देना है अच्छा सा मेरे को, देखता हूँ अगर जो वो हो गया तो सही है, नहीं तो गलत है, गलत ही गलत है भाई, गलत ही गलत है। ये है भाई अपना सिग्नेचर यार, क्या फायदा रहा, क्या फायदा, मतलब क्या है। अरे वाह, सिग्नेचर था हमारे पास, अभी कट ही नहीं हुआ, अभी हमारे पास फिनिशर भी 3 पड़े हैं ऑलरेडी। मजा आ गया भाई, मजा आ गया, मजा क्या कहते हैं। RKO इज देयर ऑफ रैंडी ऑर्टन, थोड़ा ट्राई करा बोलने का, वैसे बोल नहीं सकता मैं ऐसे। अभी फोड़ते हैं भाई टेबल, टेबल क्या टेबल, अपने हर एक मैच में फूटता है टेबल, बस पिछले मैच में नहीं फूटा था, हो ही नहीं रहा यार, क्या हो रहा है, थोड़ा गेम ना लैग कर रहा है, उसके बाद मिलते हैं। तो गाइज यहाँ पे हम दे रहे हैं इसको 1 RKO इस टेबल पे, और ये जा रहा है अपना RKO इस टेबल के ऊपर, और मजा आ जाएगा अब, ठीक है। तो ये देख लो RKO पड़ गया भाई इसको, अभी पॉपअप RKO देने की ट्राई करेंगे यार, पॉपअप RKO, लेट्स ट्राई इट, ट्राई करना है भाई अपने को तो यार, क्या कर सकते हैं, और कुछ भी नहीं कर सकते, नथिंग वी कैन डू, बट लेट्स ट्राई इट। पहले तो कुछ निकाल के लेके जाते हैं ऊपर, इसके लिए हम भाई दूज पे इसके लिए गिफ्ट लेके जाएंगे। यार थोड़ा थोड़ा लैगिंग हो रही है अभी, क्या करें, कोई बात नहीं, लैगिंग तो चलती रहती है, क्या कर सकते हैं हम लैगिंग का। तो गाइज यार ये मेरे को तो मार रहा है अभी, और यही अपने बहन भाई के लिए गिफ्ट निकाल रहा है, बहन आज भाई के लिए गिफ्ट लेके आ रही है। नो, इट शुड नॉट हैपन मैम, इट शुड नॉट हैपन, आई विल नॉट टेक गिफ्ट फ्रॉम हर, आई विल टेक गिफ्ट फॉर हर। ये रेफरी तू क्या करता है भाई, अबे लगा ही नहीं, रेफरी पागल है वैसे हमारा, हटता ही नहीं, आ जा। द फिनोमिनली जस्ट हायर्स इज हियर नाउ, ही विल फास्ट रन, वाह मजा आया, खाया ही नहीं, कमाल है। अब खाएंगे, अब हम मारेंगे इसको जोरदार मूव, और यहाँ पे इसको हम मारने की कोशिश करेंगे इसके बाद। वेट अ सेकेंड, अभी कहाँ कवर कर रहा है भाई रंडी, अभी तो तेरे को अपनी दुनिया जीनी है, इसको खड़ा करो, अभी RKO नहीं था ये, सिंपल वैसा था, अभी इसको देने वाले हैं हम अपना सिग्नेचर मूव। इसने रिवर्सल कर लिया मूड, मैं नहीं मानता, हिरोशि गोरोशि इज गोइंग टू बीट मी, अ हिरोशि गोरोशि मूव, एंड अगर जो इसमें जिगरा है तो ये मेरे को कवर नहीं करेगा। अरे वाह वाह, काफी अच्छा मूव था, अभी सिग्नेचर देगा ये अपना, और इसके सिग्नेचर में क्या है वैसे मेरे को पता नहीं, आई थिंक रिवर्सल हो गया अपना, यस अपना रिवर्सल है। अभी इसको मार देते हैं यार, मारना तो हमारी किदरत में लिखा हुआ है यार, रिवर्सल बहुत करता है यार ये,
इतने रिवर्सल काहे करते हो बबुआ? इसका फिनिशर है शायद, नहीं लगा था, है नहीं लेकिन। ओबे यार ये क्या था, आरकेओ, वो भी हवा में उड़ाते उड़ाते इसने मार दिया। कमाल की बात है यार, कमाल के लोग हैं WWE-2K19 में, कमाल के मूव्स भी हैं। वाह अच्छा था, तो अभी इसको मारते हैं यार अपना एक। हाँ अरे यार गलत टाइम पे कर रहा है ये भी, इतने में तो उसको होश आ जाएगा। चलो अब मारते हैं इसको अपना सिग्नेचर मूव, और ये सिग्नेचर के लिए अपन गए हैं, और ये लगेगा इसको सिग्नेचर अपना एम सिग्नेचर। खून निकाल दिया भाई अपने सिग्नेचर ने इसका। ठीक है वीडियो बन चुका है 10 मिनट का, 10 मिनट नहीं 11 मिनट का बन चुका है वीडियो। अभी कहाँ इसके साथ इसका पेंडा नहीं छोड़ना अभी भी यार, वैसा नहीं होता यार। यार मेरा सिग्नेचर एक फिनिशर बर्बाद कर दिया खुदता राम ने, और अपना रिवर्सल भी नहीं कराता खुदता सिंह। बस अपने पास वो मिल जाए अपने को, क्या नाम उसका, LB, अगर LB मिल गया तो वो सही रहेगा। तो जैसा आप देख रहे हैं वैसे ही मैच होना चाहिए वैसे रेसलमेनिया में भी, तो मज़ा आ जाएगा। बस हरा ना दे मुझे। हाँ हरा दिया मेरे को, नहीं। और एज स्टाइल यहाँ पे जीत चुके हैं अपना मैच, ठीक है कोई बात नहीं यार, एज स्टाइल सबको जीतना चाहिए। ठीक है एज स्टाइल जीत गए तो क्या हुआ, ठीक है यहाँ पे कोई बात नहीं, एज स्टाइल जीत गया मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन्होंने रिवर्सल भी बहुत सारा करा है क्योंकि ये डिजर्व करते हैं जीतना। वैसे अगर तो मैं आपको अपने ओपिनियन बताऊं इस मैच के लिए, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यार कि जीतने चाहिए रैंडी ऑर्टन, एज स्टाइल दोनों ही डिजर्व करते हैं ऐसे जीतना, तो कोई भी जीते तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ दोनों ही जीते हैं तो, लेकिन आज का प्रोमो देख कर लगता है कि यार रैंडी ऑर्टन ने WWE में ज़्यादा अच्छा काम करा है। ठीक है तो अरे तो गलत हो गया, वैसे देखते हैं एक बार, कितनी सारी चीज़ें हैं रे बाबू हमारे पास। ठीक है अंदर चैम्पियनशिप्स भी हैं, बंदे भी हैं, इसमें से हमारा हम कुछ नहीं ले सकते। वैसे मैंने सुना यार इनको, हाँ लॉकर कोड ये देखो नीचे आ गया ना, लॉकर कोड है यही मिलना था हमारे को। अभी इसको चेक करके देख लेता हूँ एक बार मैं आप ही के सामने, हो है क्या ये लॉकर कोड, आई डोंट नो दैट वट इज़ दिस, बट लॉकर कोड है कुछ तो होगा। टू रिडीम अ लॉकर कोड यू विल नीड अ प्लीज़ गो टू द मेन मेन्यू। अबे अभी तो करा है झल्ले लोग, अभी तो करा है मैंने यार, अभी अभी जस्ट अभी अभी इन्होंने ऐसा कर दिया यार, गलत बात है। ये देखो रेसलमेनिया इज फाइनली हेयर इन द प्लेयर टावर्स, तो प्ले करके देखे रेसलमेनिया, पता नहीं कैसा है यार, लेकिन चलो करते हैं मजा आने वाली है। लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे यार क्या होगा आप देखते हैं, अभी वीडियो सिर्फ 13 मिनट का ही हुआ है। अभी कुछ हमारे को इस तरीके से ये बता रहे हैं टेक्नीशियन वगैरह, तो अभी टेक्नीशियन मास्टर है, और देखते हैं ये है कुछ पावर हाउस है ये है, ठीक है ऐसा कुछ है, अपने को देखते हैं क्या करना है अभी। सारा कुछ सही है बस करके देखता हूँ एक बार। तो गाइस अगर जो आपने हमारी वीडियो को यहाँ तक देख ही लिया, तो हमारे चैनल को कर दो सब्सक्राइब और दबा दो बेल के आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। इस वीडियो के अंदर आपको अकाउंट नहीं मिला होगा, आपको मिलेगा अकाउंट अगले वीडियो के अंदर जो कि आने वाला है आज ही, ठीक है तो अगले वीडियो के अंदर आपको अकाउंट मिल जाएगा। ठीक है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगले वीडियो के अंदर अकाउंट लेने के लिए। जो भी बंदा पहले अकाउंट लेगा वो खेल सकता है WWE-2K19 6-7 घंटे के लिए, उसके बाद मैं अकाउंट वापस ले लेता हूँ क्योंकि मुझे भी वीडियोस वगैरह बनाने होते हैं सेम ही अकाउंट से। ठीक है तो ऐसा आप कर सकते हो। ठीक है तो पता नहीं क्या क्या दिखा रहे हैं ये लोग, ये बोल रहे हैं अपना एक रेसलर बनाऊं लेकिन मुझे नहीं बनाना। ठीक है तो आप छोड़ो यार आपको कुछ नहीं, ठीक है तो कुछ ऐसा चल रहा है हमारे यहाँ पे। ठीक है तो बस आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो धन्यवाद आपका देखने के लिए, चैनल को कर दो सब्सक्राइब, कर दो अपना फेवरेट कमेंट, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा।